खबर मध्य प्रदेश के हंडिया से है, जहां रविवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान शिष्यों ने अपने आध्यात्मिक पारिवारिक ज्ञान को समर्पित गुरुओं के चरणों में शीश नवाया और उन्हें श्रीफल और शॉल भेंट किया। आपको बता दें कि करुणा धाम आश्रम, गायत्री आश्रम और हरिहर आश्रम में भंडारे का आयोजन किया गया। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी करुणा धाम पहुंचकर गुरुवर के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। भमौरी के हरिहर आश्रम में राजेश दासजी महाराज के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। इस अवसर पर भजन कीर्तन, गुरु दीक्षा और कन्या भोज भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही दूर दूर से आए श्रद्धालुओं और शिष्यों ने मंदिर में दर्शन किए और आश्रमों में गुरु से प्रार्थना करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। हंडिया से बलवीर सिंह खत्री की रिपोर्ट। का काम सिर्फ सदगुरु ही करते हैं, तो वो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी लोग संतों के चरणों में आकर के उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, कामना करते हैं कि वो ही हमारे सबसे बड़े वकील हैं जो परमात्मा तक हमको ले जाते हैं। इसीलिए हम उनके चरण और शरण में रात और दिन लगे रहते हैं। यहाँ गुरु आश्रम में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बहुत कन्याओं का भोजन, आज भंडारा प्रसादी यहाँ होता है और विगत जो भी यहाँ हमारे गुरुजी के आश्रम में आते हैं, पंचकोसी यात्रा भी यहाँ से निकलती है, हमारे गुरुजी के यहाँ आश्रम में भंडारा होता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कामना करता हूँ गुरुजी से कि हमारे नर्मदे हर।